अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज एग परांठा। बहुत ही जबरदस्त और बच्चों का ये फेवरेट होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 3 टेबल स्पून घी, 1 टीस्पून नमक, पानी हम हसब जरूरत इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैदे में हम नमक ऐड कर देंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया था, इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसको सिंपल पानी से गूंद लेंगे अच्छी तरह। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल जो हम आटा गूंदते हैं उसकी तरह हमने इसको गूंद लेना है, ज्यादा इसको सख्त नहीं करना है। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है। 1 गिलास हमने यहाँ पे पानी लिया था और तकरीबन आधी गिलास पानी लगा है और आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसको अच्छे से इस पे मुक्की मार लेंगे ताकि ये अच्छे से गूंद जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से इस तरह से गूंद लेंगे। आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, देखें इतना हमने इसको सॉफ्ट रखना है। और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। चीज एग परांठे की फिलिंग्स तैयार करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 कप चीज, चीज आप कोई सी भी यहाँ पे ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटी शिमला मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, इसे मैंने भूनकर अच्छे से क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, 2 अदद अंडे। सबसे पहले हम यहाँ पे अंडों को तोड़कर एक इस प्याली में ऐड कर लेंगे, अच्छे से इसको फेंट लेंगे और साथ ही हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा, अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें अंडे का मिक्सचर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे अंडे को पकने देंगे। साथ ही साथ अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शिमला मिर्च को हमने अंडे में इसलिए ऐड किया है ताकि ये हल्की सी नरम हो जाए। देखिए अंडा हमारा फ्राई होने वाला है, एक साइड से हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे सिंपल इस तरह से और अब हम इसको पीसेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लिए और यहाँ पे हमारा अंडा तैयार है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम आटे को चेक करेंगे। 1 से 2 बार इस पे मुक्की लगाएंगे और सिंपल इसका एक दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और सिंपल इसको 2 पीस में कटिंग कर लेंगे। दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे, थोड़ी मोटी सी हम इसकी एक रोटी बेलेंगे। यहाँ पे हमने इसकी सिंपल एक रोटी बेल ली है और अब हम इसमें जो हमने एग बना के रखे थे इस तरह से वो ऐड कर देंगे, चीज ऐड कर देंगे। अब इस तरह से पकड़ के हम इसको इसकी एक पोटली बना लेंगे, हल्का सा इसको हम देखें इस तरह से हम इसको हल्का सा घुमा लेंगे, इसको प्रेस करेंगे। दोबारा से हम मैदा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से हम बेल लेंगे। देखें इस तरह से हमने इसको बेल लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने परांठा बेला है इसको इस तरह से ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे एक साइड से इसको फ्राई करेंगे। इसको टर्न करके 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये एक साइड से फ्राई हो गया है। अब हम इसको टर्न कर देंगे और इसको दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त सा कलर आया है और दूसरी साइड से भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हल्के हल्के से हम इसको चलाएंगे ताकि ये इक्वली हर जगह से सिक जाए। हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे।
फ्लेम हमने इसकी मीडियम टू लो ही रखनी है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको एक साइड से फ्राई होते हुए। अब हम इसको टर्न कर देंगे और देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त है इसका कलर आया है, और दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो चुका है। अब इसको हम सिंपल प्लेट में निकाल लेंगे और इसका फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, यहाँ पे हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा एग चीज पराठा तैयार है। ये देखिए कितना जबरदस्त सा चीजी सा ये तैयार हुआ है। आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।